लुक आ गई हमारी रोड पे, लेकिन सर कागजों में ही आई लुक, ग्राउंड में लुक नहीं पड़ी। हालत बहुत खराब हो चुकी है खबे में, ये रोड तीन चार जगह से खराब है और इतनी खराब है कि कभी भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है। जनाब इन्ना तो करो कि रोड तो होना चाहिए, ना कोई महकमा आता इतने ना कुछ सुनाई है, तो इस करिए बड़ी साड़ी यही गुजारिश है थोड़े अगर कि ये ठीक कराओ। इस रोड के ऊपर गड़बड़ हो रही है, जितना पैसा पीछे से आता उतना लग नहीं रहा, रोड की हालत खुद देख लो। जनाब इन्ना तो करो कि रोड तो होना चाहिए, ना कोई महकमा आता इतने ना कुछ सुनाई है, तो इस करिए बड़ी साड़ी यही गुजारिश है थोड़े अगर कि ये ठीक। सरपंच पंच को तो डेली बताने बताते ही रहते हैं, जहाँ तो उनकी सुनाई है नहीं, वो भी सरपंच पंच भी आजकल के ऐसे हैं, तो इसलिए सरपंच को पता है, देखा उसने जगह जगह डेली गाड़ी लेकर देखता है, लेकिन पता नहीं उसकी भी सुनाई नहीं है कहीं उधर, बताता तो होगा वो महकमे को। और PWD के अंडर है ये, PWD वाले ने कभी किया ही कुछ नहीं इधर। मुझे जहाँ से गुजरते हुए मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं अशोक कुमार शर्मा, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के। एक इस 2 किलोमीटर के बखबे में ये रोड तीन चार जगह से खराब है और इतनी ख़राब है कि कभी भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ियों का, और कोई हादसा हो सकता है, और ना ही इसकी कोई नालियां कंप्लीट हैं, ना ही दो गाड़ियां ये क्रॉस कर सकती हैं। इसलिए मेरी प्रशासन से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से मेरी अर्ज है कि ये जो वायरल की गई वीडियो है रिंकू शर्मा द्वारा, ये मेरे हिसाब से ठीक है, और इस पे उनको पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि बार बार इस पे जो पैसा वेस्टेज होता है उसका हिसाब लेना चाहिए। रास्ता देखिए आप, कैमरे से पूरा चेक करवा लो, रास्ते की बुरी हालत है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट में चलता रहा होगा 10-20 साल इसका काम, लेकिन हकीकत में इस रोड की बुरी हालत है, इस रोड के ऊपर गड़बड़ हो रही है, जितना पैसा पीछे से आता उतना लग नहीं रहा, रोड की हालत खुद देख लो, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, नहीं हुई है, सिर्फ कैंकरा डाला गया, कोई नाली का काम नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से खाली कैंकरा डाला और चले गए जेल। ये है सर ठंडा पानी से लेकर मवा जो चवारियाँ ब्रिज पर है ना, कम से कम 2.5 या 3 किलोमीटर का जे छोटा सा जिसे बोलते हैं ना 2.5-3 किलोमीटर का एरिया, जे तो कोई ज़्यादा एरिया भी नहीं है जे, लेकिन इस ये 10-12 पंचायतों को जोड़ता है, 10-12 पंचायतों को, और ये बाईपास भी है ठंडा पानी से, रास रोड का लिंक भी है, बांबला भी निकलता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसको एक ऊपर होना चाहिए। DC साहब हमारे बहुत ही उनहार हैं और हम उनसे बहुत उम्मीदें लेके उन तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं। मैं उनसे एक बात और एक अपील करना चाहता हूँ कि सर कभी भी आप अगर जम्मू जा रहे हो जा सुंदरबनी में आओ, तो एक बार ठंडा पानी से अंदर लिंक और ये बांबला को जोड़ता है, और इस रोड से आप जम्मू भी जा सकते हैं, ये रोड आपको बांबला बाईपास जाके छोड़ेगा, लेकिन सर इस रोड की एक बार ज़रूर विजिट करें, मेरी रिक्वेस्ट है, जे आपसे रिक्वेस्ट है मेरी DC साहब से कि एक बार इस रोड पे ज़रूर विजिट करें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। सर मैंने आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखी हुई है कि आप एक बार इस रोड पे ज़रूर विजिट करें, और हमारे कहने पे एक बार ज़रूर इस रोड को देखिए, ताकि जो इतनी पब्लिक आप पे विश्वास रख के बैठी हुई है उसका विश्वासघात कि आप खुद भी देख सकते हैं कि लोगों ने खुद कैंकरा डाला हुआ अपने पैसे से, लेकिन जहाँ पे पहले लुक भी आई थी, कहते थे लुक आ गई, लोग बड़े खुश हो गए यहाँ के कि लुक आ गई हमारी रोड पे, लेकिन सर कागजों में ही आई लुक, ग्राउंड में लुक नहीं पड़ी, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये बाक्य जिला रजौरी सुंदरबनी से आ रहे हैं, 10-12 पंचायत को जोड़ने वाला ये मार्ग है, बता दें ठंडा पानी से ये 10-12 पंचायत को जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि इस सड़क की मरम्मत की जाए ताकि हमें भी सड़क की सुविधा मिल सके।